माथा पटक रहा है, जोड़ घटाव आता है ना। चलो आज भर यही प्रैक्टिस होगा, आता है तब भी। आज भी खड़ा होके नहीं पढ़ाएंगे, आज आराम से कुर्सी पे बैठ के आज भी वैसे ही पढ़ाएंगे, आज भी वैसे ही बताना है ध्यान से। बस आज ही लास्ट है, इसके बाद जोड़ घटाव खत्म, और फिर तो नया टॉपिक आ जाएगा गुना। लेकिन गुना से पहले आएगा दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाव। गुना तो ऐसे करेगा, गुना भी आएगा, लेकिन उससे पहले दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाव। मतलब जोड़ घटाव हम ई वाला भी बता देंगे और दशमलव वाला भी। चलो मेरा एडिटिंग करना शुरू करते हैं, मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। कर कौन से चुन ले, चलो रेड ही ठीक, रेड ही ठीक। ध्यान से एक एक करके जोड़ना भी है और घटाना भी है। जैसे वहाँ ध्यान देना, वहाँ तुमको पता चलेगा। जैसे कि पहले टिक लगा रहे हैं पाँच पे, और फिर जोड़ना है उसमें नौ, कितना हो गया? जोड़ो आराम से, जोड़ो जोड़ो, पाँच नौ, और उसमें से ई वाला जो नौ है ना घटा देना है, होने हो गया चौदह। चौदह में से अगर नौ घट गया तो बोलेंगे ना कि बराबर में कितना हो गया, पाँच। बराबर में आगे फिर देखो कहाँ रेड पेन चल रहा है, वहाँ ध्यान देना, छः। और ये आठ उसमें क्या करेंगे, तो बोलो कि छः और आठ जोड़ दिए कितना, और चौदह में से तीन घट गया, ग्यारह के जा खाली एक लिख दिए, हाथ में कितना बचा, मुझे एक बज गया ने, उस समझ जाना कि हम एक इसको दे दिए तीन के। देखो जा तीन के कजा दे दिए तीन के, तो बोलो ये वाला तीन और एक दोनों मिलके कितना हो गया, चार और सात आए, ग्यारह में से समझो अभी छः घट जाएगा, तो जाओ गया पाँच। एक के हिसाब में तो समझ में आ गया होगा, एगो काफ़ी है समझा मिले, ठीक है एगो काफ़ी है समझ रहे है तो ढेर मनी, लेकिन एगो में समझ में आ गया, फिर भी हम समझाएंगे। जैसे ध्यान देना, मेरा ऊपर करते, और अब यहाँ पे आठ अंतिम वाला है, तो ये अंतिम सात में जोड़ेंगे कितना, और ये वाला नौ जो है ना घट गया, बोलो कितना, तो लिख देना घट कर छः। अंतिम से जोड़ रहे हैं तो अंतिम में लिखेंगे छः। फिर ध्यान दो, इन्हें है चार, और चार में ये नौ जोड़ दो, और तेरह में आठ है घटा दो, तो पाँच के जा लिख दो पाँच। फिर ध्यान देना, एजा पे है तीन और एजा है छः, जोड़ कर कितना, नौ में से फिर तीन घट गया, छः हो गया, बन गया। फिर ध्यान से ये वाला मान लेते हैं, ये कितना है, और ओकर बगल में ये वाला ध्यान देना, ये कितना है, दोनों जोड़ दो, अच्छे में से अगर बोलेंगे नौ घटा दो, नहीं घटेगा,
तो नहीं घटेगा तो समझ लेना कि बगल वाले से जो पैसा ले लिया था तो तीन तीन जो छः 13 ही हो गया, ये 13 हो गया, ये कौन हो गया, ये 13, और तीन जब जोड़े थे ई वाला तो कितना हो गया था 16, और 16 में से जब 9 घट गया तो कितना हुआ 7। हाथ में कुछ भी नहीं। अब ध्यान देना कि ई कितना बच ले यहाँ पे, यहाँ यहाँ देखो रेड मार 5, कितना है आई, कितना है, दोनों जोड़ दो, 10 में से 9 घट गया तो कितना हो गया 1। फिर ध्यान देना एने कितना है 9, और ये कितना है, और 9 7 हो गया 16, 16 में से समझ लेना 2 घट गया तो लिख देना 14, 14। थोड़ा नीचे जाते हैं, इतना भी नहीं, इसको देखते हैं, ई वाला देखना, कलर चेंज करते हैं, कलर ज़्यादा हो जाता है, ब्लूए कर दिए। अब बताना है कि ई वाला कितना, इधर कितना, 7 4 आई 8 घट गया तो बोलना कि 3। फिर देखो बगल में कितना है, आई जा देखना ब्लू कलर से 8 5 और 13 में से 8 घट गया तो 5। फिर ध्यान देना 1 5 अच्छे 11 में से 6 घट गया 5, कितना हो गया 553 बन जाएगा। देखो ई वाला ई ध्यान देना, चलो ये 9 नंबर पे ध्यान दे दो, 9 नंबर है ऐसे। देखो कहाँ ब्लू कलर से मार्कर चल रहा है, ए ए ए आई वाला 9 7 9 कितना हो गया 16 में से समझो 9 घट गया तो लिख दो ऐसे करके बराबर में 7। अब इन्हें कितना है भाई 8। फिर ध्यान देना जहाँ मार्कर चलेगा 8 8 16, और उन्हें देखो उधर बोर्ड बोर्ड देखो बोर्ड 16 में से ही कितना घट गया 9, तो बचा कितना 7। फिर कितना है ये वाला 6, आई कितना है 6 4 आई घटाना कितना है तो घट के कितना हो गया, ठीक ठाक है, जरा नीचे चल जाओ नीचे, ये जा ध्यान देना ई वाला कितना है, उसमें जोड़ना कितना है, कितना हो गया 10 में से समझ जाना कि ई जो देख रहे हैं ना ये 9 घट गया तो कितना बचा, तो लिख देना बराबर में 1। इन्हें कितना है ई कितना है 5 5 10, 10 में से घट गया कितना तो बचा 4। अच्छा ध्यान से देखो ई कितना है 2, अब 8 और 10 में से 5 घट गया हो गया 5। फिर
फिर से 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 ध्यान से। पहले कितना है ई वाला, फिर उसमें जोड़ना कितना है, तीन एक जोड़ के कितना हो गया, बोर्ड पर देखो बोर्ड पर। और चार में से कहेंगे सात घटा दो, तो ई जे आठ है ना, ये रहा पैचा देगा, एकरा 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 तीन का पैचा दिया, तो ये तीन है कितना है, यानी तेरह में जब हम एक जोड़े होंगे ई वाला ई वाला ई वाला, और चौदह में से जब सात घटेगा तो सात। आई कितना बचा, और ई कितना है आठ, तो सात आठ पंद्रह, अब पंद्रह में साठ गया तो ई बोलो चार, आई कितना, अच्छे मतलब चार छः, और दस में से छः गया तो चलो समझ में आ गया। तो निके यहाँ जरिए ध्यान देना, अच्छा अब लास्ट लगता है, ई कितना दो, और ई कितना नौ, जोड़ो ग्यारह में से समझो कि ई वाला एक घट गया, कितना बचा दस, दस के जीरो, आदमी एक एक इसको दे दो, इधर बगल में है नौ, अब अठारह में से एक घट, सत्रह के हाथ में कितना दे दो एक इसको, अच्छे या तीन, नौ में से आठ बन गया अनजोड़, समझ में भी आ गया। चलो इतना तो नहीं जोड़ बना लिए होगा, देखो छूट गया, तो समझ में तो नहीं के आ गया ना। yes, चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझा देते हैं ये वाला भी, ग्यारह हाँ दूसरा पेन से लिख लेते हैं, ऐसे एक पेन मास जरी अजीब लगता है। चलो चलो पिंक ध्यान देना, यहाँ पे कितना है, इधर कितना है, दोनों जोड़ो, और तीन में से सात, तो समझ लेना कि ये पैचा लिया था इनने, तो हो गया ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह में से जब सात गया ना तो छः, छः हो गया, आई कितना बचा था आठ, आठ आ दो, और दस में से फिर से आठ घट गया तो बच गया दो, इन्हें कितना आठ, आई कितना है तीन, आठ तीन कितना हो गया, और ग्यारह में से समझ लेना नहीं छः, छः छः घट गया तो बच गया पाँच, जोड़ घटा पूरा क्लियर। अब रहा दशमलव वाला जोड़ा दशमलव वाला, देखो बतवे के तो हम गुना भी बता दें, लेकिन जोड़ घटा भी तो नहीं ताज़ा ताज़ा सीखा है, तो ताजे ताजे में भिन्न के सॉरी दशमलव के भी जोड़ सीख जाएगा, और हम सिर्फ यही है ना कि दशमलव नया नया चीज़ मिलेगा, तो जोड़ घटाव सिखाइए दिए हैं लगले, अब दशमलव के जोड़ घटा तो कल हम बता देंगे दशमलव के जोड़ घटा, आज के लिए यहीं तक, नहीं मैथ की क्लास बंद, अभी मिलेगा अभी मिलेगा, अभी क्लास चलेगा ठीक है, नहीं जय हिंद जय भारत, हाँ यूट्यूब के लिए अभी क्लास चलेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है।